थोड़ा जल्दी ही बुला लिया यार। आधा चम्मच सर आए हैं दोस्त। शाम में 6 बजे का एक वीडियो शूट है आज। गांव है ना ये भैया, देख के मेरा पैर। मैं बोला ये गांव है ना? बरौला। बरौला गांव है ये। हाँ गांव वाला ये सब फील है, लेकिन थोड़ा सा मॉडर्न गांव है। क्या बोल रहे हैं? हाँ वही वही। वो तेरी ये क्या दिख गया? देसी शराब। मैं हनुमंत मुक्तकारी जननी। ऐसा लग रहा है उधर एक अलग दुनिया है, इधर एक अलग दुनिया है। फ्राइड राइस ऑर्डर किया है भाई। सुबह से साला कुछ खाया ही नहीं हूँ, दवाई भी नहीं खाया हूँ। आधा घंटा है जाने में, अभी थोड़ा पहले ही आ गया मैं। आवाज नहीं निकल रहा है भूख से, भूख के मारे ऐसा फील हो रहा है मुझे। आता हूँ। हेलो यस, पोस्टपोन हो गया परसों के लिए। अरे मालिक के सामने ही खड़े हैं, लिखा देता हूँ। ये देखिए मालिक, हाय कह दीजिए ना एक बार सर को। चलो मिलता हूँ मैं। हाँ हाँ खेलो खेलो। अरे ये भी आर्टिस्ट है यार दोस्त, मेहंदी का आर्टिस्ट है। कल इस भाई ने मेरी मदद की बैग को ले जाने, यहाँ से ले जा करके ऑटो तक पहुँचाने तक में भाई ने मदद की। मैंने बहुत बहुत शुक्रिया बोला। मैंने भाई को बोला मैं तेरा एक रील बना दूंगा। थैंक यू। और वीडियो मतलब जैसे ही मैंने बताया उसके बाद फिर तुरंत सब्सक्राइब और लाइक भी कर दिया। बिना बोले यार पता नहीं मैं बोलता कि नहीं, बोलना चाहिए यार, इतना मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा डू सम, बोलो क्या बोलते हैं? थैंक यू। नहीं नहीं, वो लाइक शेयर और कमेंट वाला। लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब भी कर देना है भैया। चलो ठीक है आता हूँ। कैसे हैं गन्नू भाई? अरे 6 तारीख को गणपति है, यहाँ पे तो छोटे मोटे दिख रहे हैं आपको, आगे जाकर के आप ही हो गया सर। So, आपको पूना में आपको दिखता पूरा का पूरा गणेश जी का। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। यूट्यूब इंडिया से आया हूँ, बेसिकली वीडियोस बनाने का काम करता हूँ। जो आपके पास प्रोडक्ट और सर्विसेज आप मार्केट में बेच रहे हैं उनसे बात। ओके हेलो सर, कैसे हैं आप? आता हूँ। होम साइड फर्नीचर भी देखा। मैं बैठा था प्रशांत भाई के पास, पूछा प्रशांत भाई से ये धंधा पानी कैसे चल रहा है। फर्नीचर का दुकान है इनका। अच्छा क्या बोलते हैं प्रशांत भाई आप? धंधा पानी? अरे वो नहीं, ठंडा चल रहा है, कम चल रहा है, क्या चल रहा है? अच्छा काम तो हल्के चल रहा है भाई। अच्छा यहाँ पे लोग हल्का बोलते हैं भाई। तो काम बोल रहे तो हल्का चल रहा है। काम बहुत हल्का भाई, मतलब ज्यादा अभी मार्केट में ऐसा कुछ है नहीं। चाय भाई पीजिएगा? पूछो तो मैं तुमसे पूछ गुस्से। मैं अरे तो आप क्या होगा, आप मालिक हैं, हम भी मालिक हैं। मेरे यहाँ आ जाओ। नहीं नहीं हम पिलाते हैं आपको। मालिक बेटे काजू गुलाक लगा।
तो फिर सिगरेट भी, अगर फिर चाय पिला रहे हैं तो फिर सिगरेट भी पिलाइएगा, फिर सिगरेट भी मंगाइए। हाँ जी, आप 82,000 रूपए बता रहे। कितना कितना? 82,000। एक कस्टमर पिया उससे 42,000 रूपए। 82 किस खुशी में? बचत की बता रहा हूँ। अच्छा, चार जन भैया, ये सोफा अच्छा लग रहा है, बेड अच्छा लग रहा है। मैंने भैया लो, भैया बियर मिलेगी? कस्टमर लग रहे। मैंने 2,000 का, जब तो 2,000 का चलक रहा लोन ले को दिया अपने को, मतलब मेरी दुकान पे नहीं, जहाँ नौकरी कर रख रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने अपनी जेब से दिया बहन से 2,000 का। बियर मंगाई 4-5, 1 किलो मुर्गा मंगाया, और मतलब कुल मिलाकर 1,800 रूपये का सामान लिया लौंडा। वो पीछे बहन से दुकान बड़ी है, पूरी पीछे बैठ गए। अब प्या का नशे में साले काटे। नहीं, फर्नीचर में तो पैसा है भाई। ऐसे तुम सोचो, तुम ऐसे ही आईफोन और एप्पल वॉच और आगे में UP-37 का गाड़ी खड़ा किए हो, मजाक है क्या? उन लोगों का पैसा है इसमें यार, बहुत पैसा है फर्नीचर में। क्योंकि बेड ले गई, टेबल ले गई, चेयर ले गई, बैठेगा गाने तो सोफा ले गई घर पे। मैं तो दूसरा आदमी हूँ जो मैं यहाँ पे सिगरेट पी रहा हूँ। कोई नहीं, आ जाना घर पे बियर। मुझे ऐसा भी लग रहा है तुम सेल्स टैक्स वाले हो। नहीं नहीं यार, सेल्स टैक्स वाला नहीं है। 24,00,000 का फल रहा है। 24,00,000 का फल रहा? अच्छा, ये चदरा वगैरह देख के मार लिया क्या? मेरे नहीं, मुझसे क्या, मेरे में क्या माल है? कुछ भी नहीं है। हाँ, उतना तो खाली ही है, ज्यादा माल तो भर के रखा भी नहीं है। माल ना है भाई। एक है साहब जी ने। अच्छा, A to Z फर्नीचर है। कितना बड़ा बताऊँ तुम्हें मैं? बीघे जानते हो? शरीफ बच्चा ऐसा खाने के लिए बैठे हुए हैं। पराठा मंगाया है। लाने बोला है, आया ही नहीं मुझे। क्या हुआ भैया? खत्म हो जाएगा तब दोगे आप? दे दो यही चटनी उठने अचार उचार जो है दे दो। हाँ, बैठ गए हम अपने आसन में। हम सब है भाई। लगते ज्यादा ही मिला दिया। आज नो माल। मत देखो भैया को, देखो निश्चय प्रेम प्रति देते विनय करे सनमा कारण सुमन करे हनुमान जय हनुमंत हितकारी के तारा गारा अब विलंब के कारण स्वामी।
शादी इसलिए नहीं करी जाती है कि फ्रेंड सर्कल में हमको प्रूव करना है कि देखो मेरी बीवी तुम्हारी बीवी से ज्यादा सुंदर है। शादी इसलिए करी जाती है कि घर में सुख शांति बनी रहे। शादी इसलिए करी जाती है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपकी वाइफ आपके साथ में बैठी हो और आपको सपोर्ट करे, आपके हाथ पे हाथ रखकर